कुछ दिनों पूर्व अजमेर के डीआरएम ऑफिस में हुई जॉली एलएलबी की शूटिंग में दिखाए जाने वाले दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए अजमेर बार एसोसिएशन द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसके तहत न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हो चुकी है। लगातार हो रही सुनवाई के तहत आज न्यायालय में इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई की गई, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म निर्माता सुभाष कपूर की ओर से लगाई गई याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय द्वारा सुनवाई जारी रखने के भी आदेश दिए गए। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इस मामले में अजमेर अधिवक्ताओं द्वारा ठोस पैरवी की गई थी। आज माननीय न्यायालय के समक्ष जॉली एलएलबी 3 को लेकर सुनवाई व आदेश की तारीख थी। आज अरशद वारसी, अक्षय कुमार और संजय कपूर और दूसरी प्रार्थना पत्र डीआरएम की तरफ से था, जो प्रार्थना पत्र इस बाबत लगाया गया था कि दावा चले या नहीं चले, उसको लेकर आज माननीय न्यायालय उत्तर द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किए गए। ये कहते हुए कि जो 7-11 के जो प्रोविज़न है सिविल न्यायालय के, उसके तहत ये नहीं आता है, इसलिए दोनों ही प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किए गए और आगामी तारीख 5 जुलाई दी गई, जिसके अंदर स्थगन को लेकर बहस होगी और ये पिक्चर आगे बने नहीं बने, ये एक आगे जाके जो 5 जुलाई को जो होगा उसमें होगा। बाकी जो वाद के अंदर प्रोसीजर होता है, सिविल प्रक्रियाएं जो होती हैं, वह प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से चलेंगी और उसके अंदर सभी प्रकार के मेरिट के ऊपर जितनी भी साक्ष्य के साथ में जो दस्तावेज आएंगे वे अब श्रीमान के समक्ष आएंगे और इसकी आगामी दिनों में तारीखें भी पड़ेंगी और इसकी भविष्य जो है वे अब माननीय न्यायालय के हाथ में है कि ये पिक्चर किस दिशा की ओर जाएगी। अजमेर कोर्ट में, अजमेर उत्तर सिविल अदालत, यह विश्नोई जी की अदालत है, जिसमें हमने एक दावा प्रस्तुत किया था अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष कपूर के खिलाफ और डीआरएम अजमेर के खिलाफ, जिला कलेक्टर को भी हमने पार्टी बनाया था। यह दावा इस आशय का प्रस्तुत किया था कि फिल्म के माध्यम से कहीं न कहीं न्यायपालिका व वकीलों की गरिमा को ठेस पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि अजमेर में शूटिंग चल रही थी तो हमने दावा इसीलिए अजमेर में प्रस्तुत किया और ऐसे दृश्य दर्शाए गए अजमेर में कि कहीं कहीं न्यायपालिका की छवि जो है खराब हो रही है। कहते हैं कि पिक्चरें जो समाज का दर्पण है और आम आदमी हर एक कोर्ट में नहीं आता, मुश्किल से 5% लोग कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में आने के बाद वो जो दृश्य देखते हैं, जो नहीं आने वाले वकील दृश्य देखते हैं या आम पब्लिक दृश्य देखती है, तो उनकी छवि वकीलों की, जजेज की खराब होती है पिक्चरों के माध्यम से। इस दावे को लेकर अरशद वारसी और अक्षय कुमार की तरफ से माधव मित्र वकील आए, उन्होंने 7-11 CPC के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अदालत में और DRM की तरफ से बसंत जी विजयवर्गीय ने एक प्रार्थना पत्र 7-11 का ही प्रस्तुत किया और विवेक पारसर जी जिलाधीश की तरफ से एक प्रार्थना पत्र और अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी अपोजिट काउंसिल्स के प्रार्थना पत्र को ध्यान से सुना, वे सुनने के बाद उन्होंने माना कि ये दावा चलने योग्य है। 7-11 का उनका प्रार्थना पत्र अक्षय कुमार का आज खारिज कर दिया है। अब पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, स्टे एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, स्टे एप्लीकेशन पे 5 जुलाई को बहस होनी है और उनके तरफ से जवाब आना है। दावा कंटिन्यू चलेगा, अंतिम निर्णय इस दावे में पेश होगा और जो भी तथ्य और एविडेंस हमें पेश करनी है दावे के चलने के दौरान हम पेश करेंगे। Oh, 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 oh,
Pizza Point, Kangor. For delicious moments.